नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 7वीं की, हमारा अतीत भाग 2 के बारे में। तो इसमें हम लोग अभी तक 8 चैप्टर खत्म कर चुके हैं, नौवा चैप्टर हमें देखना है। नौवा चैप्टर है हमारा क्षेत्रीय संस्कृतियों का उदय निर्माण। वैसे मैं वही बात कह रहा हूँगा कि बिल्कुल टेंशन फ्री होगा, इसे एक दो बार सुनिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे सभी जो भी आपकी दिक्कतें हैं। लेकिन बस इसे एक तरफ से सुनिए, ऐसा नहीं कि बीच में हड़बड़ाइए, क्योंकि हड़बड़ाने से ना तो कोई काम होगा और ना ही हो सकता है। इसलिए इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आप लोग एक दो बार मन से सुनते हैं या पढ़ते हैं तो आराम से समझ में आ जाती है। बहुत ही साधारण शब्दों में लिखी गई है आपकी किताब। लोगों का वर्णन करने का एक सबसे सामान्य तरीका है उनकी बोलचाल की भाषा से उन्हें परिभाषित करना। जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं तो आम तौर पर इसका अर्थ होता है कि वह तमिल अथवा उड़िया भाषा बोलता है और तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता है। इसी तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र के कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जोड़ा करते हैं। कभी-कभी हम इन आत्मस्थताओं को मानकर चलते हैं कि और सोचते हैं कि ये एवांतर से अस्तित्व में है, किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने में समय की भूमिका रही है। जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियां समझते हैं वे समय के साथ साथ बदलती हैं, और सच तो यह है कि आज भी बदल रही हैं। ये क्षेत्रीय संस्कृतियां जटिल प्रक्रियाओं से विकसित हुई हैं। इस प्रक्रियाओं के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न करा बनाया है। जैसा कि हम देखेंगे, कुछ परंपराओं तो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी है, जबकि कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती हैं। परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं एक खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से हैं तो निकलती हैं, परंतु अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्होंने एक नया रूप ले लिया है। चेर और मलयालम भाषा का विकास। आइए भाषा और क्षेत्र के विकास बीच अंतर संबंध के उदाहरण से अपना विश्लेषण प्रारंभ करें। महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है, 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया। वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। मलयालम में रचित आरंभिक केरल का एक अभिलेख है। साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियां, जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई गई जाती हैं, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी हैं। यह भी एक काफी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम, जो व्याकरण तथा काव्य शास्त्र विषय है, मणि प्रवालम शैली में लिखा गया था। मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ होता है हीरा और मूंगा, जो यह दो भाषाओं, संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषाओं के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। शासक और धार्मिक परंपराएं। जगन्नाथी संप्रदाय। अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियां क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थी। इसी प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण पुरी उड़ीसा में जगन्नाथ संप्रदाय। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातियों लोगों द्वारा बनाई जाती है, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। ये आपकी बालभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ की लघु मूर्तियां तालपत की पांडुलिपि उड़ीसा में।
12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। उसके बाद 1330 में राजा अनंग भीम द्वितीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनिधि नियुक्त घोषित किया। ज्यों ज्यों इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता है, जैसे मुगल्स, मराठे, अंग्रेजी, ईस्ट इंडिया कंपनी, सबने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया है। वे सब यह महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार हो जाएगा। ये आपका जगन्नाथ मंदिर पुरी में उड़ीसा में। राजपूत और सौर वीरता की परंपराएं 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग इस उस क्षेत्र को जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है राजपूताना राजपूताना कहते थे। इससे यह समझा जा सकता है कि वह एक ऐसा प्रदेश था जहां केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे, लेकिन यह बात आंतरिक रूप से ही सत्य है। ऐसे अनेक समूह थे और आज भी हैं जो उत्तरी तथा मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते हैं। यह भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते थे, तथापि अक्सर यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की है। ये संस्कृतियां परंपराएं वहां के शासकों के आदर्शों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा है। पृथ्वीराज एक ऐसा ही शासक था। ये शासक ऐसे सूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में सजोए रखते थे, जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वरण किया मगर पीठ नहीं दिखाई। राजपूत सूरवीरों बीकानेर के राजकुमार राज सिंह है, देखिए की कहानियां काव्यों और गीतों में सुरक्षित। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण चारण भट्टों द्वारा गाई गई जाती है। ये काव्य एवं गीत ऐसे सूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते हैं और उनमें यह आशा की जाती थी कि वे अन्य जनों को भी उन सूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेंगे। साधारण जन भी इस कहानियां से आकर्षित होते थे। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियां, स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता था। क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था? जी हाँ, कभी वे झगड़े के कारण के रूप में विद्यमान हैं, जहां पुरुष स्त्रियों को जीतने के लिए अथवा उनकी रक्षा के लिए आपस में लड़ते थे। कहीं कहीं यह भी चित्रित किया गया है कि स्त्रियां अपने सूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुकरण करती थी। सती प्रथा यानी विधवाओं द्वारा अपने पितर मृतक पतियों की चिता पर जिंदा जल जाने का प्रथा का भी कुछ कहानियों में उल्लेख पाया गया। इस प्रकार जो सूर्य लोग सूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे उन्हें अक्सर इस आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था। वह क्षेत्र जिसकी चर्चा अध्याय में की जा रही है, यह आपका बीकानेर, राजस्थान, जोधपुर, अजमेर, जयपुर, चित्तौड़, यही मेवाड़, यह अवध हो गया उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा, पुरी, जगन्नाथ। ठीक है, एक बार फिर मैं बोलूंगा आपसे कि आप इन सभी राज्यों का क्रम याद रख लीजिए नीचे तक पूरा, ठीक है? क्योंकि अगर आप लोग रटेंगे ट्रिक मेरिट, ये ट्रिक मेरिट वहां सूटेबल होती है जहां आप लोग वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? अगर आप लोग TCS या IAS की तैयारी कर रहे हैं तो आपको याद होना चाहिए इतना तो, क्योंकि अगर आपसे पूछता है कि कर्क रेखा या पूछ लेता है मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है तो आप बता सकें, ठीक है? कर्क रेखा के बारे में आप लोगों को बता, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इसमें झारखंड है आपका, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम।
आगे बात करते हैं लोग, क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी। यदि शूरवीरता की परंपराएं भिन्न भिन्न चित्रों में भिन्न भिन्न रूपों में मिल सकती हैं, तो नृत्य के विषय में भी यही सच है। आइए नृत्य के एक रूप कथक के इतिहास को देखें। यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी है। कथक शब्द का कथा शब्द से निकला है। कथक जो आपका शब्द है, ये कथा शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वाले वालों की एक जाति थी। एक कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथा वाचन को अलंकृत किया करते थे। 15वीं तथा 16वीं शताब्दियों में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान कहानियां लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें हम लोग रासलीला कहा जा करते थे। रासलीला में लोक नृत्य के साथ कथक कथाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते थे। मुगल बादशाह और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था, जहां इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए। वह एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया। आगे चलकर एक दो परंपराओं अर्थात घरानों में फूला फला, एक राजस्थान जयपुर के राज दरबारों और लखनऊ में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला के रूप में उभरा। 1850 और 1850 से 1875 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन दोनों क्षेत्रों में ही नहीं, बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, बिहार तथा मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर संस्थापित हो गया। ये आपका लक्ष्मण मंदिर खजुराहो है, मध्य प्रदेश में खजुराहो छतरपुर जिले में। इसकी स्थिति में कलश तथा दूत पद संचालन, उत्तम वेशभूषा और कहानियों के प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर दिया जाने लगा। अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं तथा 20वीं शताब्दियों में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने नापसंद किया, फिर भी यह जीवित बचा रहा और गायिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो देश में इसे 6 शास्त्रीय नृत्य रूपों में मान्यता मिल गई। शास्त्रीय नृत्य किस कला रूप को शास्त्रीय माना जाए, इस प्रश्न का उत्तर देना अक्सर बहुत कठिन होता है। क्या हम उस रूप या शैली को शास्त्रीय कहते हैं जिसका विषय धार्मिक हो, अथवा क्या हम उसे शास्त्रीय इसलिए मानते हैं क्योंकि उसके लिए अत्यधिक कौशल की आवश्यकता होती है, जो कई वर्षों के लंबे प्रशिक्षण से ही प्राप्त होता है, अथवा यह शास्त्रीय इसलिए क्योंकि यह निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रदर्शित या प्रस्तुत किया जाता है और उसमें विभिन्नताओं को प्रोत्साहन नहीं किया दिया जाता। ये ऐसे प्रश्न है जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। यह भी याद रहे कि बहुत से ऐसे नृत्य रूपों में जिन्हें लोक नृत्य की श्रेणी में रखा गया है, विशिष्टताएं पाई जाती हैं जिन्हें शास्त्रीय रूपों का विशिष्ट लक्षण बताया गया। यद्यपि शास्त्रीय विश्लेषण का प्रयोग उन कला रूपों की श्रेष्ठता का सूचक हो सकता है, फिर भी यह शब्द हमेशा शब्द सही नहीं होता। अन्य नृत्य रूप जिन्हें इस क्षेत्र में शास्त्रीय माना जाता है निम्नलिखित में: भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, उड़ीसी उड़ीसा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर में। ठीक, कथक नृत्यांगनाएं एक दरबारी क्षेत्र। बात करते हैं संरक्षकों के लिए चित्रकला, लघु चित्रों की परंपरा। एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई, यह थी लघु चित्रों की परंपरा। लघु चित्र छोटे आकार के चित्र होते हैं, जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है। प्राचीनतम लघु चित्र तालपत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए, जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर,
शाहजहां ने अंतिम कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। ये पांडुलिपियां आमतौर पर चटक रंगों में चित्रित की जाती थी और उनमें दरबार की दृश्य, लड़ाइयां, शिकार के दृश्य, सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। अक्सर उपहार के तौर पर इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था और ये कुछ गिने चुने लोगों, बादशाह, उनके घनिष्ठ जनों द्वारा ही देखे जा सकते थे। ये आपकी शिकार के दौरान आराम करते हुए अकबर, मुगल बादशाह। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों के दरबारों में चले गए। परिणाम स्वरूप मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती राज दरबारों को प्रभावित किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उनका विकास भी किया। मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों तथा उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे। इसके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा, किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं तथा काव्यों के विषय कवि चित्रण बराबर बराबर जारी रहा। ऐसा ही एक अन्य क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल प्रदेश, केरलगढ़, हिमालय की तलहटी का। होली खेलते हुए महाराणा राम सिंह सेकंड राजपूत लघु चित्र कोटा में 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक महत्व की एक साहसपूर्ण एवं भाव प्रवण शैली का विकास हो गया जिसे बसोहली शैली कहा जाता है। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई वह थी भानुदत्त की रसमंजरी। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए। कृष्ण और राधा उनकी सखियों पहाड़ी लघु चित्र कामना के उन्हें वहां जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले जिसके फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई। 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली जिसे लघु चित्रकारी में भी एक नई जान डाल दी। उनकी प्रेरणा का स्रोत वहां के वैष्णव परंपराएं थी। ठंडे नीले और हरे रंगों से सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता थी। याद रहे कि साधारण स्त्री पुरुषों की भी बर्तन बर्तनों दीवारों कपड़ों फर्श आदि पर अपनी कलाकृतियां चित्रित करते थे। कला के नमूनों में कुछ ही बच पाते थे इसलिए विपरीत लघु चित्र राजमहलों में सावधानी पूर्वक रखे जाते थे जिससे वे सदियों तक सुरक्षित रहे। बंगाल एक क्षेत्रीय भाषा का विकास। जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा है कि हम अक्सर क्षेत्रों के नाम वहां के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित करते हैं, इसलिए हम यह मान लेते हैं कि बंगाल में लोग हमेशा बंगाली ही बोलते थे। किंतु यह एक दिलचस्प बात है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। प्रारंभिक ईसा पूर्वी प्रथम सहस्ताब्दी के मध्य भाग के संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से यह पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे। तो फिर नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ? सबसे पहली बंगाली रामायण के तालपत्र की पांडुलिपि का एक पेस्ट है। ईसा पूर्व चौथी तीसरी शताब्दी से बंगाल और मगध दक्षिण बिहार के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव पड़ता गया होगा। चौथी शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहां ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी के भाषाई और सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए। और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्यून सांग ने यह पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था। 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उदय हो गया। 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा
जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश को जीत लिया तो उसे सूबा माना जाने लगा। उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। वस्तुतः 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा के साथ एकबद्ध हो गया। यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी, जिसे अब पश्चिम बंगाल कहा जाता है। यद्यपि बंगाली का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है, पर यह अपने क्रम विकास की अनेक आवश्यक अवस्थाओं से गुजरी है। इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार जो जनजातीय भाषाओं फारसी यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों से इसे प्राप्त हुआ है, आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा बन गया। बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, एक श्रेणी संस्कृत की श्रेणी, दूसरी है उससे स्वतंत्र। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद मंगल काव्य, शाब्दिक अर्थों में सुमा यानी मांगलिक काव्य जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित, भक्ति साहित्य जैसे गौड़ीय वैष्णव आंदोलन की नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियां आदि शामिल हैं। दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है, जैसे मैनावती गोपीचंद के गीत धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियां परीक कथाएं लोक कथाएं आदि और गाथा गीत। मैनावती गोपीचंद और धर्म ठाकुर नाथ लोग सन्यासी होते थे जो तरह तरह की यौगिक क्रियाएं करते थे। यह गीत विशेष जो अक्सर अभिनीत किया जाता था, यह बताता है कि रानी मैनावती ने अपने पुत्र गोपीचंद को अनेक बाधाओं के समक्ष सन्यास का मार्ग अपनाने को किस प्रकार प्रोत्साहित किया। धर्म ठाकुर एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देव हैं जिनकी पूजा अक्सर एक पत्थर या काठ की मूर्ति के रूप में की जाती है। पहली श्रेणी की ग्रंथों का काल निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि ऐसी अनेक पांडुलिपियां पाई जा रही हैं जिनमें यह इंगित किया गया है कि उनकी रचनाएं 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच की गई। दूसरी श्रेणी की कृतियां मौखिक रूप से कहीं सुनी जाती थी, इसलिए उनका काल निर्णय सही सही नहीं किया जा सका। वे खास तौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थी जहां ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षा के कम हुआ था। पीर और मंदिर, याद रखना पीर किसे कहते हैं, फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आध्यात्मिक मार्गदर्शन। 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण पूर्व बंगाल के जंगली दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू किया कर दिया था। ज्यों ज्यों वे पूर्व की ओर बढ़ते गए वे जंगलों को साफ करके भूमि में धान की खेती करने लगे। सने सने स्थानीय मछुआ और स्थानांतरीय खेती करने वाले लोग जो अक्सर जनजातीय थे किसानों के नए समुदाय में मिल गए। इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया था जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की। अधिकारियों और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करने के अक्सर उस पर मस्जिदें बना लेते थे जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्र के रूप में काम आती थी। प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग इन अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था तथा आश्वासन चाहते थे। ये सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान की। ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिकाएं भी अदा करते थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियां हैं, स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर कहा करते थे। इस पीर श्रेणी में संत या सूफी और अन्य धार्मिक महानुभाव सायसी उपनिवेशी देवत्व प्राप्त सैनिक एवं योद्धा विभिन्न हिंदू एवं बौद्ध देवी देवताओं और यहाँ तक कि जीवात्माओं भी शामिल थे। पीरों की पूजा पद्धतियां बहुत ही लोकप्रिय हो गई और उनकी मजारें बंगाल में सर्वत्र पाई जाते हैं। जीववाद, यह मानना कि पेड़ पौधों जड़ वस्तुओं
प्राकृतिक घटनाओं में भी जीवात्मा होती है, जीववाद कहलाता है। बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा, जो 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया। हमने देखा है कि मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूहों द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे। वे इनके माध्यम से अपनी शक्ति तथा भक्तिभाव का प्रदर्शन करना चाहते थे। बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूह कालू, तेली, कंसारी, घंटा धातु के कार्य आदि के समर्थन में से बने थे। यूरोप की व्यापारिक कंपनियों के आ जाने से नए आर्थिक अवसर पैदा हुए। इन सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवारों ने इन अवसरों का लाभ उठाया। जैसे जैसे लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधरने लगी, सुधरती गई, उन्होंने इन स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी स्थिति या प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। जब स्थानीय देवी देवता, जो पहले गांव में छान छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजे जाते थे, को ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई, तो उनकी प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित की जाने लगी। चित्र जो आपका 11 है बाई ओर, ये दो चाला छप्परदार, चित्र जो 12 है ये आपका चौचाला मंदिर, ये आपका गोपियों के साथ कृष्ण श्यामपुर मंदिर से पकी मिट्टी की एक पटिया विष्णुपुर है। इन मंदिरों की शक्ल या आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह दो चाला दो छतों की वाली या चौचाला चार छतों वाली होती थी। पांचवें अध्याय में वर्णित बंगाली गुम्बद को याद करें। इसके कारण मंदिरों की स्थापत कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ। अपेक्षाकृत अधिक जटिल चौचाला यानी चार छतों वाली ढांचे में चार त्रिकोणीय छतें चार दीवारों पर रखी जाती थी, जो ऊपर तिर्यक रेखा या एक बिंदु तक जाती थी। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। उनमें भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन अनेक मंदिरों की बाहरी दीवारें चित्रकारियों, सजावटी टाइलों अथवा मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थी। कुछ मंदिरों में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में विष्णुपुर के मंदिर में, ऐसी सजावटें अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुंच चुकी थी। मछली भोजन के रूप में परंपरागत भोजन संबंधी आदतें आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती हैं। बंगाल एक नदीय मैदान है जहाँ मछली और धान की उपज बहुतायत से होती है, इसलिए स्वाभाविक है कि इन दोनों वस्तुओं को गरीब बंगालियों की भोजन सूची में प्रमुख स्थान प्राप्त है। मछली पकड़ना वहाँ का प्रमुख धंधा भी है और बंगाली साहित्य में मछली का स्थान पर उल्लेख मिलता है। इससे ज्यादा और क्या होगा कि मंदिरों और बौद्ध विहारों की दीवारों पर जो मिट्टी की पट्टियां लगी हैं, उनमें भी मछलियों को साफ करते हुए टोकरियों में भरकर बाजार ले जाते हुए दर्शाया गया। ब्राह्मणों को सामिस भोजन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इस निषेध में ढील दे दी। बेहद धर्म पुराण, जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्म की मछली खाने की अनुमति दे दी थी। घरेलू उपयोग के लिए मछली तैयार करते हुए विशालक्ष्मी मंदिर से पकी मिट्टी का एक फलक आरंभ, ये देख लीजिए। यूरोप में राष्ट्र राज्य का उदय। 18वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के लोग स्वयं को एक साम्राज्य, जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य की प्रजा, या किसी चर्च जैसे यूनानी रूढ़िवादी चर्च के सदस्य मानते थे। परंतु 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में लोग स्वयं को एक ऐसे समुदाय के सदस्य के रूप में भी पहचानने लगे जो एक भाषा जैसे कि फ्रेंच या जर्मन बोलते थे। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में रोमानिया में विद्यालयी पाठ पुस्तकों ग्रीक के स्थान पर रोमानियों में लिखी जाने लगी और हंगरी में लेटिन के स्थान पर हंगेरियन को राजभाषा के रूप में अपनाया गया।
यह और इसी प्रकार की अन्य प्रक्रियाओं ने लोगों को यह बोध कराया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में इटली और जर्मनी के एकीकरण के लिए कुछ आंदोलनों ने इस भावना को और अधिक बल दे दी। तो चलिए, ये था आपका 9वां चैप्टर। इसमें आपने शास्त्रीय लघु चित्र भी देखे हैं, पीर बोली क्या होती है, ये आपके कुछ क्वेश्चंस दिए गए अभ्यास के लिए। टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ठीक है, वहां डली हुई है इसकी पूरी। एक दो बार आराम से देखिए, क्योंकि इसमें कहानी दिया गया है, पूरी कहानी है, सुनेंगे आप लोग आराम से। आपको जो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, शब्दों की परिभाषा देखनी है, वो समझ में आ जाए, बस इतना हमारे लिए काफी है। तो चलिए, हम लोग 10वें चैप्टर में बात करेंगे 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन।